बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हम इतना परेशान की हुई है। एक तो हमारी जिंदगी ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान है, गरीबों का हाल ऑलरेडी बहुत बुरा है, ना कमाई है ना ही कुछ है, और कि इलेक्ट्रिक डेट टाइम लाइट जाके और हमें परेशान कर चुकी है। कुछ दोस्त हैं मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही एक्टिव होगी, और हम लोग कुछ दोस्त हैं जो हमारे घर में लाइट होती ही नहीं है, साथ ही साथ एक दो घंटे रहती है। सब क्लास 2 का सब क्लास 1, 3 और 4 इस बात की अक्कासी करता है कि इलेक्ट्रिक खुद मुख्तार नहीं है। उसका नेप्रा चेयरमैन है, अथॉरिटी एब्सोल्यूट अथॉरिटी चेयरमैन नेप्रा है, लेकिन अफसोस दर अफसोस नेप्रा ने भी कुछ नहीं किया। पहले जनवरी में बढ़ाए 4.20 रूपए पर यूनिट, आज 2.89 रूपए का एक और झटका के इलेक्ट्रिक ने दे दिया। जिसके घर पे आते हैं बिजली काट देते हैं। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, जो अभी मैं मीडिया हजरात को उसकी कॉपी दूंगा। उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि मीडिया हजरात ये चीज पब्लिक करे कि आपका जिसका दिल चाहता है आप उसके घर की लाइट काट देते हैं, बिजली काट देते हैं। आप वन मैन माफिया बने हुए, आपके ऊपर कोई नहीं है। पार्लियामेंट को अकाउंटेबल आप नहीं, पार्लियामेंट को आंसरेबल आप नहीं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो टेरिफ, और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, इनकी वजह से हमारी ऑनलाइन तालीम पे इतना फर्क पड़ता है। हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, एक एक घंटे तक लाइट चली जाती है, एक घंटे तक हमारे लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम पढ़ाई किस तरीके से करें। तो लिहाजा रहम करें इंसानों पे, आप लोग हैवान और शैतान मत बने, हम पे रहम करें प्लीज प्लीज इलेक्ट्रिसिटी। मैं आसिफ मूसा, चेयरमैन मूसा फाउंडेशन। आज ये जो मुजाहरा रखा गया है कि इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ और जो शहरियों को परेशानी है, आल कराची एनजीओस के हवाले से, इसमें खुशी की बात यह है कि सारे के सारे यंगस्टर हैं और मौजूद हैं, वो निकले हैं यहाँ पे। जो आवाम परेशान है, यहाँ के जो कराची के लोग परेशान हैं बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, गैर एलर्जा लोड शेडिंग भी, और प्लस जो टैरिफ भी जो बढ़ गया है, जो इजाफी बिलिंग भी हो रही है, अवर बिलिंग भी हो रही है, उसके हवाले से सारे नौजवान यहाँ पे जमा हुए हैं, जमा हुई है। तो ये अच्छा इकदाम है, इंशाल्लाह ये आवाज ऐवानों में भी जाएगी, हुक्मरानों तक भी जाएगी, और के इलेक्ट्रिक इंशाल्लाह जरूर अपना किबला दुरुस्त करेगी। और उम्मीद है कि वो जो गैर लोड शेडिंग है उस पर भी कोई ना कोई नजरसानी करेगी, हुक्मरान भी इसके अंदर बीच के अंदर आएंगे, जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है वो भी इसमें कोई ना कोई लायमल देगी। हो सकता है कोई नुमाइंदा भी यहाँ पे किसी का आए, मुझे नहीं लगता कोई नुमाइंदा यहाँ पे कोई आएगा, लेकिन ये कि एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, नौजवान निकले हैं, ग्राउंड पे आए, मैदान में आए, अपने हकूक के लिए आए, कराची के लोगों के लिए आए। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कराची की जो लोड शेडिंग है वो भी खत्म होगी, और इंशाल्लाह जो अवल बिलिंग के मसले मसाइल है वो भी बहुत जल्द खत्म होंगे। थैंक यू वेरी मच। बारह घंटे 16-16 घंटे की लोड गैर ऐलानी लोड शेडिंग, और उस पर जुल्म ये है कि बिजली भी नहीं आ रही और ऊपर से बिल जो है वो डबल डबल आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपका लाहे अमल क्या है, अगर ये लोड शेडिंग खत्म नहीं होती तो क्या लाहे अमल होगा? देखिए, हमारा सबसे पहला लाहे अमल ये है कि हम इस हमारे से तमाम पूरे कराची में लोगों से रबते कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम अभी तक किसी तंजीम ने ये काम नहीं किया होगा, इंशाल्लाह हम सबसे पहले जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं, और उसके बाद जो इनके डायरेक्टर्स हैं जो तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे पैसों से, वो अयाशियां करते हैं हमारे पैसों से, जिन्हें वो मजे करते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके घरों पर जो है धरनों का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया बाशिंदों का, जिन्होंने आज उस दहशतगर्द इदारे के खिलाफ साथी हमारा के साथ आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, और उनके साथ सरशाना बशाना आप भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ आला आवाज़ों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की रैली पाकिस्तान तहफ़ मूवमेंट की तरफ से जो निकाली गई है वो कैसी की बदमाशियों के खिलाफ, उनकी नाजायजियों के खिलाफ, कि रोज बरोज कराची के अंदर बगैर इतलात के, बगैर बताए, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि बगैर बताए 14-14 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जाए। हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी खाली गोली से मारने की नहीं होती।